नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारत में आज से अनलॉक वन के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। 1 जून को सरकार ने अनलॉक की घोषणा की थी, जिसका दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस फेज में कई तरह की पाबंदियों और नियमों के साथ धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की परमिशन दी गई है। इस फेज की स्थिति का जायजा लेने हमारे संवाददाता रिहान वारसी हाईकोर्ट, धार्मिक स्थल और वेब मॉल पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर हाईकोर्ट की है, जहां सभी शर्तों के साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महामारी के चलते 2 महीने का लॉकडाउन किया गया था। हालांकि 2 महीने के से ज़्यादा लॉकडाउन के बाद आज लखनऊ हाईकोर्ट खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं जो हाईकोर्ट खोला गया है, कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो सामूहिक दूरी है उसका पालन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग आज उच्च न्यायालय में अपने ज़रूरी कामकाज से आए हुए हैं, जो लोग आए हुए हैं, सबसे पहले उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है। लोग यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, हालांकि लोग गोले में खड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हाईकोर्ट की बात करें तो जो हाईकोर्ट में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, लोगों को सामूहिक दूरी का पालन कराते हुए नज़र आ रही है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। और अगर बात करें तो जो लोग आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी गेट पे पास बन रहा है, उनको कहाँ जाना है उसकी उनसे पूछताछ हो रही है, थर्मल स्कैनिंग, उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है, इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। वहीं ये दूसरी तस्वीर गोमती नगर स्थित वेव मॉल की है, जहाँ मॉल में लोगों की एंट्री से पहले मशीन द्वारा उनका बॉडी टेम्परेचर मापा जा रहा है और लोगों की भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखने के बाद ही उन्हें मॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना महामारी के चलते जो शॉपिंग मॉल थे वो तकरीबन 2 महीने से बंद थे। शासन के आदेश के बाद आज से ये मॉल खोल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी तरीके से मॉल प्रशासन पूरी तरीके से पालन कर रहा है। यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र रखा गया है, जो लोग आएंगे पहले सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद उनकी जानकारी फिल करना होगा, इसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री मिलेगी। इसी के साथ साथ जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी लगाना है, बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। तीसरी तस्वीर धार्मिक स्थलों की है। आपको बता दें कि सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करवा के खोला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह मनकनेश्वर मंदिरों के कपाट खुलने के बाद लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ सभी श्रद्धालुओं ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। वहीं ईदगाह मस्जिद में भी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होने के बाद उनको मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की परमिशन दी गई और सभी नियमों का पालन करते हुए उन्होंने नमाज अदा की। तो देखा आपने कि किस तरह लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। अब सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अनलॉक वन में वो कैसे इस वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण पर काबू पाएंगे। क्या सरकार की यह नीति सफल होगी या फिर फेल हो जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।